सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पा सकें सभी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रचित और आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2018। जैसा कि एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट अभी अभी जो निकला है उसमें कैंडिडेट्स को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए, उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और हमारे पास कई सारे कैंडिडेट्स के मेल आए जिन्होंने कहा कि सर मुझे अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, अप्लाई प्रोसेस में दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है कि एससी कैंडिडेट्स की हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है एसएससी रिक्रूटमेंट एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट का, उसमें जो आपकी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो हाइट की जो कैटेगरी दी हुई है उसमें तीन तरह के आपके डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। सबसे पहले कैटेगरी में तो तीन पॉइंट में सबसे पहला आपका जनरल के लिए दिया गया, दूसरा आपका हिल एरियाज वाले कैंडिडेट्स के लिए दिया गया, तीसरे पॉइंट में आपको शेड्यूल ट्राइब के लिए बताया गया। लेकिन जो कि एससी कैंडिडेट्स की हाइट यहाँ पे क्या चाहिए और ओबीसी कैंडिडेट्स की हाइट क्या चाहिए, ये कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आ रहा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा। हमने इस वीडियो में आपको अप्लीकेशन आप किस तरह से पूरा फॉर्म भरेंगे उसका प्रोसेस और इसी के साथ ही एससी कैंडिडेट्स के लिए कितनी हाइट चाहिए ये डिटेल हमने इस वीडियो में आपको पूरा बताया अच्छी तरह से। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब, विजिट कीजिए अभी sarkariexam.com। दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे sarkariexam.com ओपन करना है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बॉक्स में भी एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2018 या फिर आप यहाँ से नीचे टॉप ऑनलाइन के सेक्शन से भी यहाँ पे भी एसएससी सीपीओ एसआई फॉर्म की एक लिंक मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना। एसएससी सीपीओ फॉर्म के लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट के पेज पर। यहाँ से अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर एक बॉक्स है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के बॉक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों आप आ जाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, जहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक मिलेगी। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन का पेज ओपन हो गया है। आपको सबसे पहले अगर रजिस्टर करना है तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ पे रजिस्टर का एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर के बॉक्स पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिल कर लेनी है, तो आइए दोस्तों पहले यहाँ पे डिटेल पूरी फिल करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ हमने पूरी डिटेल भर दी है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, इसके बाद वेरीफाई नेम, यहाँ फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम वेरीफाई करना है, मदर्स नेम वेरीफाई करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना 10th के बोर्ड का रोल नंबर डालना है जो कि आपका रोल नंबर था आपकी मार्कशीट में दिया हुआ होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है, फिर यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल, इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर भी वेरीफाई करना है। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंटर टेक्स्ट आपको जो कैप्चा दिया हुआ है वो यहाँ पे डालना है, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर का बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंटर के बॉक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है प्लीज चेक योर डिटेल्स, यू कैन नॉट चेंज दीज पर्टिकुलर फील्ड्स इन फ्यूचर, यू वॉन्ट टू सबमिट। तो दोस्तों, आपने जो भी डिटेल भरी है एकदम अच्छी तरीके से चेक करके भरिएगा, क्योंकि दोबारा आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सब डिटेल सही भर दी है, अच्छे से भर दी, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ओके के बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ओके के बॉक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने फिर एक नया रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, जहाँ से सबसे ऊपर आप देखेंगे पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पे जो आपने पहले भरी थी वो यहाँ पे फिल होकर ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पूरा फॉर्म भरना है, जहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर्म, ये पूरी डिटेल मांगी गई है, ये आपको फिल करनी है। दोस्तों, आइए हम इसे भी फिल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्म भर दिया है। यहाँ बेसिक डिटेल्स फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा है, मतलब कि दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मार्क देना है जो आपकी बॉडी में हो और वो आपका बर्थ से ही हो या फिर बहुत पहले से हो। और इसके बाद यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा है, आपको वेरीफाई कैटेगरी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे यस में, नहीं तो नो पे टिक करना है। यहाँ पे नेशनैलिटी पे टिक करना है। इसके बाद आपसे इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी अपना प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद दोस्तों, जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म मांगा है, जहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अपना फिल करना है, स्टेट यहाँ प्रोवाइड करना है, यहाँ पिन कोड देना है, और अगर एसटीडी कोड लैंडलाइन नंबर अगर आपका कोई है तो वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद दोस्तों, जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंटर टेक्स्ट कैप्चा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे एंटर करना है।
पूरा फॉर्म भर लेने के बाद अच्छी तरीके से चेक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट का बॉक्स दिखेगा। सबमिट के बॉक्स पे फिर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आपसे पूछा है डू यू वॉन्ट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने पूरा फॉर्म अच्छी तरह से भर लिया है, एकदम वेरीफाई कर लिया है, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, एक फोटो अपलोड का पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज कीप योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेफली। यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रोविजनल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। आप इसे किसी नोटपैड में या फिर किसी पेपर में नोट डाउन करके अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रख लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको फिर अपनी फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। दोस्तों आप सभी जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने इमेज और यहाँ पे साइन हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी इमेज अपलोड करने के टाइम की आपकी इमेज की जो साइज है वो 4 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए और जो यहाँ पे आपसे सिग्नेचर की साइज मांगा है वो आपसे 1 KB से 12 KB के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों अपनी इमेज की साइज 4 KB से 20 KB और सिग्नेचर की साइज 1 KB से 12 KB के बीच में पहले से ही स्कैन करके आप अपने पास रख लें। इसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बॉक्स देखिएगा, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि अभी तक पूरा हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब हम आएंगे अप्लाई पार्ट में जहाँ से आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह डालना है। दोस्तों आइए रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 यानी कि अप्लाई पार्ट वाला प्रोसेस भरते हैं। ये इसको भरने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपके देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे इंटर टेक्स्ट जो कैप्चा दिया हुआ है वो डालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पूरी डिटेल भर दी। अब हम सबमिट के बॉक्स पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बॉक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का एक पेज ओपन होगा। आपको इसे फिर से एक बार पूरी डिटेल इसमें भरनी है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम इसकी पूरी डिटेल भर लेते हैं। अब दोस्तों आप सभी जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड मांगा गया है। आपको यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर या आपको अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे फिल करना है इस तीनों बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे आपका जो पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जो आपने पहले फिट किया था वो आ गया। यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है एक बार फिर से। फिर यहाँ पे आपसे 10.1 में पूछ रहा है वेदर एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस, वरना नो पे टिक करिए। इसके बाद आप यहाँ से एक्स सर्विस मैन के रिगार्डिंग डिटेल मांगा है, इसे आपको फिल करना है अगर आप एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, यहाँ पे आपको यस और नो में टिक करना है। इसके बाद 12th में पूछ रहा है वेदर एलिजिबल फॉर स्पोर्ट कोटा स्पेशल कोटा इन एक्स सर्विस मैन फॉर दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों ये भी एक सर्विस मैन के रिगार्डिंग है, यहाँ पे भी आपको यस या नो में टिक करना है। इसके बाद इफ एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा इन एक्स सर्विस मैन फॉर दिल्ली पुलिस देन कैटेगरी सब कैटेगरी देन सेलेक्ट सब कैटेगरी, आपको इस बॉक्स में भी इस एक्स सर्विस मैन के रिगार्डिंग पूरी डिटेल यहाँ पे आपसे मांगी हुई है, यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पॉइंट नंबर 13 में पूछा है दोस्तों वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आपको यहाँ पे अगर आप एज रिलैक्सेशन में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है वरना नो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे 13th नंबर आपसे पूछ रहा है इफ यस इंडिकेट कोड, आपको यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ 15th पॉइंट आपका भरा 14 भरा हुआ है 15 भरा हुआ है 16th पॉइंट में यहाँ पे आपसे प्रिफ्रेंस फॉर पोस्ट मांगा है। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप यहां से व्यू डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहां से आपको सीक्वेंस वाइज जो यहां पे डिपार्टमेंट कोड दिया हुआ देख सकते हैं आप ABCDEFG, आपको इस कोड वाइज यहां पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। ये यहां पे कोड है, यही कोड आपको यहां पे नीचे बॉक्स में यहां पे फिल करना है। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फीड करनी है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOP एंड TSOM नंबर। दोस्तों आपको बता दें आप नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 14 से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 14 से ये डिटेल चेक करके तब यहाँ पे फिल करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ फिट करना है। और इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल पूरी यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह पूरा फिट करना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपका अपलोड किया हुआ आ गया है। फिर दोस्तों उसके बाद सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर 25 डिक्लेरेशन में, यहाँ आपको आई एग्री पे टिक करना है और यहाँ पे इंटर टेक्स्ट कैप्चा जो दिया हुआ है वो यहाँ पे फिट करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के बॉक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने फिर एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ यू कैन एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, यू डाटा विल बी फाइनलाइज्ड, सो प्लीज चेक ऑल डिटेल्स बिफोर फाइनल सबमिट, डू यू वॉन्ट टू सबमिट। दोस्तों अब अपनी पूरी डिटेल यहाँ से अच्छे से चेक कर लीजिए, जो भी आपने भरा है उसको वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर एक नया पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ जहाँ पे लिखा हुआ योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली सबमिटेड, प्लीज गो टू अप्लाई प्रिंट ऑन द मेन पेज टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म PDF। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और अप्लाई पार्ट भी, मेरा यहाँ दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है पेमेंट की। दोस्तों सबसे आखिरी स्टेप आता है पेमेंट करने का। दोस्तों अपने फॉर्म का पेमेंट करने के लिए अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप यहाँ मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके, या फिर अगर आपको ऑफलाइन चालान के थ्रू जमा करना है तो यहाँ पे ऑफलाइन चालान पे क्लिक करके आप अपना PDF निकाल सकते हैं चालान का। इसके बाद आप इस फॉर्म का पैसा जमा कर सकते हैं और इसी के बाद दोस्तों पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि SC कैंडिडेट SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मांगी गई है वो इस बार क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आते हैं जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड में, यहाँ पे यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट लिखी हुई है, मेल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज उनके लिए हाइट लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे मेल ऑल ST SC कैंडिडेट्स यहाँ पे हाइट लिखी हुई है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो SC कैंडिडेट्स के लिए हाइट अगर मांगी गई है तो वो है हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 77-82 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसको वेरीफाई करने के लिए आइए हम आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 11 सेक्शन नंबर 11A में यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। यहाँ पे जब आप इस बॉक्स को देखेंगे, इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट लिखा है फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली जनरल, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। दोस्तों यहाँ पे जो हाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए लिखी हुई है, यहाँ पे मेंशन की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है और ऐसा ही होता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक ही कैटेगरी में फॉल डाउन होते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पे आपको ST जो SC कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मानी जा रही है वो यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर ही मानी जा रही है। दोस्तों जैसा कि अभी अभी आपने देखा SSC CPO रिक्रूटमेंट का, आप किस तरीके से आवेदन करेंगे, किस तरीके से पूरा फॉर्म भरेंगे, पूरी डिटेल हमने आपको इस वीडियो में बता दी। और इसी के साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि SC कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट का इशू आ रहा है, लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।